Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Robert Clive and its role as Governor General. Now Robert Clive के बारे में अगर हम देखें तो ये टू टाइम्स गवर्नर बने थे. तो फर्स्ट टाइम बने थे 1751 में और सेकेंड टाइम पे ये बने थे मई 1765 से लेके टू फरवरी 1767. ओके, सो आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर जो क्लाइव था उनको दोबारा भेजा गया था इंडिया और इनको इस टाइम पोजीशन दी गई थी गवर्नर की और साथ ही साथ कमांडर इन चीफ की भी पोजीशन दी गई थी. ओके, कि आप जाइए और गवर्नरशिप है आपके पास और कमांडर इन चीफ है ब्रिटिश पोजेशंस इन बंगाल. बिकॉज अर्लियर जब हमने फर्स्ट टाइम इनका देखा था 1751 में तो क्लाइव ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ब्रिटिश फाउंडेशन को लाने में इन बंगाल में. नाउ जैसे ही क्लाइव विजिट करते हैं आते हैं कैलकटा तो उनको मेनली बेसिकली क्लाइव फाउंड दैट कि वहां पे काफी ज्यादा मिक्सचर्स हैं ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स. तो वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम्स एग्जिस्टेंस है उस टाइम पे कैलकटा में पॉलिटिकल सिस्टम. और मोर अप्रोप्रिएट टू से ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया में ही मिक्सचर देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज करप्शन. जो करप्शन है बहुत ही ज्यादा रैम्पेंट है और ये करप्शन अमंग द कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो कर रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो ट्रेड है वो डिक्लाइन हो रहा है ड्यू टू विच कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो रहा है और साथ ही साथ इट लीड्स टू द ऑपरेशन ऑफ पीपल्स ऑपरेशन ऑफ नेटिव पीपल्स. तो ये प्रॉब्लम्स उन्होंने एनालाइज करी जब वो कैलकटा में आए. ओके, नाउ अब इनका सब टॉपिक में देखते हैं कि पॉलिटिकल सेटलमेंट्स ने क्या रोल इन्होंने प्ले किया पॉलिटिकल सेटलमेंट्स में. तो सबसे पहले पॉलिटिकल सेटलमेंट देखेंगे सेटलमेंट्स विद अवध और औध जो भी आप कहना चाहें. तो क्लाइव ने क्या किया बेसिकली फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो सेटल करें और डिफाइन करें और सिंपली एस्टैब्लिश करें रिलेशन विद द डिफीटेड पावर. जो पावर डिफीट कर चुके हैं कंपनी उनके साथ क्या करें, फर्स्ट सेटल एंड डिफाइन करें या सिंपली एस्टैब्लिश करें रिलेशंस विद द डिफीटेड पावर जो कि कंपनी ने उन पावर्स को हरा रखा है डिफीटेड पावर्स. तो जो अवध था उस टाइम सुजाउद्दौला अगर हम देखें तो वो वहां के नवाब वजीर थे और उन्होंने उनके साथ बेसिकली एक ट्रीटी को साइन किया गया था दैट इज द अलाहाबाद ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद. ओके, अब ये बैटल ऑफ बक्सर की बात हुआ था ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो ये जो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो कि साइन करी गई थी शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765. अब इसके टर्म्स क्या क्या हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है. सो टर्म्स क्या थे कि जो नवाब हैं वो सरेंडर कर देंगे अलाहाबाद और साथ ही साथ करा किसको कर देंगे, ये कर देंगे एम्परर शाह आलम को. तो ये सरेंडर कर देंगे फर्स्ट प्रोविजन इसका स्ट्रेटी का. सेकंड जो वॉर इंडेमनिटी है ये वो पे करेंगे जितना भी लॉस हुआ है ड्यूरिंग वॉर इंडेमनिटी और जो बेसिकली रखी गई थी 50 लाख रुपीस. तो नवाब ने कहा कि ठीक है सर हम पे कर देंगे कंपनी को. थर्ड प्रोविजन इसका दैट इज इन्होंने कंफर्म किया इस ट्रीटी ने कंफर्म किया जो बलवंत सिंह है कि वो एक्ट करेंगे एज ए जमींदार ऑफ बनारस ठीक है और इन फुल पोजेशन ऑफ हिज स्टेट में. और साथ ही साथ इसी के साथ एक और साइन करी गई थी ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव ट्रीटी ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी को भी साइन किया गया था. और ये जो ट्रीटी थी ना ये इसका जो नेचर था ये बाइंडिंग था यानी इसमें जो भी प्रोविजंस है वो मानना ही पड़ेगा. तो इसमें जो प्रोविजन थे इसमें जो नवाब है तो नवाब क्या करवाएंगे वो मस्ट करवाएंगे प्रोवाइड मिलिट्री हेल्प टू कंपनी जब भी कंपनी को उसकी नीड होगी इन द टाइम ऑफ द
नीट ये करवाएंगे। ओके, अब ये जो प्रोविजन था ये तो फ्रीली था कि इसमें जो कंपनी है उनकी हेल्प लेगी अगर नवाब की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नीट, तो उनको कुछ पे करना नहीं पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड जो कंपनी नवाब को ट्रूप्स प्रोवाइड करवाएंगे उनके फ्रंटियर के डिफेंस के लिए, दैट इज डिफेंस ऑफ इट्स फ्रंटियर, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जो नवाब है वो पे करेंगे जो ट्रूप्स है उनके कॉस्ट ऑफ इट्स मेंटेनेंस। ओके, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो थी वो इनके ऊपर भी एप्लीकेबल थी। अब क्या क्या प्रोविजंस इनके साथ ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद में थे, तो इनको मिलेगी कंपनी की प्रोटेक्शन और ये अलाहाबाद में रहेंगे, रिसाइड करेंगे अलाहाबाद में, और साथ ही साथ इनको असाइन किया जाएगा अलाहाबाद एंड करा, जो हमने ऑलरेडी देख लिया था। सेकेंड, ये एक फरमान इशू करेंगे और उस फरमान के थ्रू ये ग्रांट करेंगे दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा टू कंपनी। ओके, और ये उन्होंने किया था 12 अगस्त 1765 को। इन रिटर्न इनको एनुअल पे मिलेगा, दैट इज 26 लाख एनुअल इनको पे करेगी कंपनी। साथ ही साथ निजामत राइट्स भी अब कंपनी को मिल गए थे, और निजामत राइट्स के लिए दैट इज बिहार, बंगाल एंड ओडिशा के, वो भी 53 लाख में। कैसे मिले उसको हम आगे डिटेल में हम देखेंगे। नाउ नेक्स्ट, अगर हम देखें बेसिकली जो क्लाइव्स के जो पॉलिटिकल सेटलमेंट थे, अगर हम देखें तो ये जो बेस था, यानी उसका जो बेसिस था वो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बेस था, कि जो ग्राउंड रियलिटी पे जो सिचुएशंस अनफोल्ड हो रही है। ओके, तो साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि क्लाइव ने एनेक्स क्यों नहीं किया था अवध को, तो व्हाई क्लाइव नॉट एनेक्स अवध, तो इसका रीजन ये था, बेसिकली वो कन्वर्ट करना चाहते थे अवध को एज अ बफर स्टेट, तो अवध को वो कन्वर्ट करना चाहते थे बफर स्टेट, ताकि जो ये जो अवध है एज अ बफर स्टेट सेफगार्ड कर पाए ब्रिटिश एम्पायर को अगेंस्ट टू स्ट्रॉन्ग पावर उस टाइम जो अपने पास एक्सपेंड कर रही थी, और वो थी अफगान अंडर अहमद शाह अब्दाली, और दूसरे मराठास। तो ये रीजन था कि क्यों इन्होंने अवध को डायरेक्टली एनेक्स्ड नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट सेटलमेंट विद बंगाल देख लेते हैं। तो बंगाल में था उस टाइम पे ड्यूअल सिस्टम। ओके, ड्यूअल सिस्टम सिंपली डिज्यूरे और डिफेक्टो रूलर्स का, रियल पावर और सिर्फ और पपेट पावर के ऊपर था। नाउ यहां पे जो कंपनी थी, देयर इज नो डाउट कि वो रियल पावर थी। ओके, और अगर हम देखें जो नवाब थे, नवाब ऑफ बंगाल के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन था, वो नवाब के पास थी। ओके, सो एट दैट टाइम जो मुगल एम्पायर थे वहां पे टू प्रिंसिपल ऑफिसर्स हमको देखने को मिलते हैं, दैट इज जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी इन प्रोविंसेस में। अब ये कौन कौन से थे, ये थे सुबादा था, इसके बाद निजामत फंक्शंस था। अब निजामत फंक्शंस क्या है, निजामत फंक्शन को सिंपली अगर मैं कहूं तो बेसिकली फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू मिलिट्री की पावर्स, डिफेंस की पावर, पुलिस एंड साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस की पावर, यानी सारी की सारी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली जो पावर थी वो निजामत फंक्शंस के अंडर में आती थी और वो सूबेदार कंट्रोल करता था। दूसरा जो ऑफिशियल्स की हमने बात करी है, दैट इज दीवान, जो दीवान है। अब ये क्या होंगे, ये होंगे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और इनको इंचार्ज दिया जाएगा रेवेन्यू अफेयर्स का, ये सारा का सारा जो भी रेवेन्यू अफेयर्स से रिलेटेड मैटर होगा ये उसको देखेंगे। साथ ही साथ इनको एडमिनिस्ट्रेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी सिविल जस्टिस की। यहां पे देखो निजामत में क्रिमिनल जस्टिस आ गया, अब यहां पे इनके पास सिविल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, सिविल जस्टिस कहां पे, इन प्रोविंसेस में। तो ये डिफरेंशिएटेड है कि क्रिमिनल जस्टिस रहेगा निजामत फंक्शन जो कि सूबेदार उस पर कंट्रोल करेगा, और जो सिविल जस्टिस है वो अंडर दीवान के अंडर में रहेगी। नाउ ये जो टू ऑफिसर्स थे इनको क्रिएट करने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये बोथ बेसिकली एक तरीके का
चेक करेंगे ईच अदर्स को, ठीक है, साथ ही साथ कि कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है अपना पावर्स, ओके। तो इस तरीके से, और ये दोनों के दोनों ऑफिसर्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, बिकॉज इन दोनों की पोजिशन किसने क्रिएट करी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। नाउ उसके बाद अगर हम ये देखें कि जब भी सेंट्रल अथॉरिटी वीकेंड हुई थी, ओके, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज ये क्या है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब जब सेंट्रल अथॉरिटी जो वीक हो जाती है, तो उस टाइम हमको ये देखने को मिलता है कि जो मुर्शीद कुली खान थे, दैट इज मुर्शीद कुली खान, जो कि बंगाल के नवाब थे, उन्होंने कैप्चर कर लिया था बोथ निजामत पावर और दीवानी फंक्शंस। तो अभी तक तो क्या था, अभी तक जब तक सेंट्रल अथॉरिटी थी, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी थी, तब तक तो ये सेपरेशन ऑफ पावर इजली क्या हो रहा था, स्मूथ फंक्शन कर रहा था। लेकिन जैसे ही सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई, ओके, उसके बाद हमने देखा कि जो मुर्शीद कुली खान थे नवाब ऑफ बंगाल, तो उन्होंने कैप्चर कर लिया बोथ निजामत फंक्शन भी, अब दीवानी फंक्शन भी, ओके। तो आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर जो शाह आलम थे, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 12 अगस्त 1765 को उन्होंने इशू किया था फरमान, जिसमें क्या ग्रांट किया था उन्होंने कि कंपनी जो है बेसिकली उसके पास दीवानी फंक्शंस रहेगा और उसको एनुअल पे करना पड़ेगा 26 लाख, और निजामत फंक्शन बेसिकली 53 लाख। बिकॉज निजामत फंक्शन कहां से आया, अर्लियर अगर हम देखें फरवरी 1965 में, तो निजामुद्दौला जो थे, तो कंपनी के पास ऑलरेडी दीवानी फंक्शंस तो आ गया था, लेकिन निजामत कैसे आया, तो अर्लियर मीन्स दिवाली फंक्शन आने से पहले फरवरी 1765 नज़मुद्दौला, जब इन्होंने सक्सीड किया था अर्लियर नवाब को, दैट इज मीर जाफर को, तो इनका जो सक्सेशन था वो इस कंडीशन पे था कि आप जब सरेंडर करेंगे निजामत फंक्शन कंपनी को, तभी हम आपको नवाब बनने देंगे, दैट इज कंपनी ये कह रही है, ओके। तो इस बेसिस पे कंपनी को निजामत फंक्शन भी निजामुद्दौला ने ग्रांट कर दिया था, ओके। सो जो कंपनी थी बेसिकली अगर हम देखें तो उसका जो विलिंगनेस थी, नाइदर विलिंग नॉट अंडरटेक, वो क्या चाहती थी कि वो डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू को बेसिकली अपने अंडर में डायरेक्ट लेना नहीं चाहती थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो कंपनी था, कंपनी ने अपॉइंट किए टू डेप्यूटी दीवान्स को, नॉट डायरेक्टली दीवान्स बट टू डेप्यूटी दीवान्स को। अभी कौन है, अब बंगाल में अगर हम देखें तो बंगाल में हमको देखने को मिलता है ये जो डेप्यूटी दीवान थे उसमें से एक है मोहम्मद रेजा खान, और बिहार में जो डेप्यूटी दीवान है उनका नाम है राजा सितक रॉय इन बिहार में। नाउ जो मोहम्मद रेजा खान है जो बंगाल में एज ए डेप्यूटी दीवान उनको अपॉइंट किया गया था बाय कंपनी, ये एक्ट करेंगे एज ए डेप्यूटी नाजिम एज वेल। तो दीवान तो है ही साथ साथ एज ए डेप्यूटी नाजिम भी ये वर्क करेंगे, ठीक है। सो अगर हम देखें होल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो निजामत का हो और या फिर अगर दीवानी राइट्स का हो, किसके थ्रू एक्सरसाइज हो रहा है, थ्रू इंडियन स्ट्रक्चर, बिकॉज ये जो दीवानी जो पोस्ट है ये इंडियन स्ट्रक्चर के थ्रू आती है। लेकिन इसमें रियल पावर देखें तो रियल पावर कंपनी के हाथ में ही रहेगी, और ये जो अरेंजमेंट था, ये जो सिस्टम था, इसको हम कहेंगे डुअल गवर्नमेंट या फिर डायार्की, जिसमें कंपनी एंड नवाब दोनों एग्जिस्ट करेंगे और एक तरीके का डी ज्यूरे एंड डी फैक्टो पावर की तरह, लेकिन जो रियल पावर है वो हमेशा से ही कंपनी के हाथ में रहेगी, और जो बेसिकली जो सिर्फ और सिर्फ जस्ट फॉर नेम से एक पावर है या फिर जो पपेट गवर्नमेंट है या जो पपेट पावर है वो नवाब के हाथ में रहेगी। नाउ ये जो डुअल सिस्टम आया, दैट इज डायार्की, अब इसका बेसिकली जो क्लाइव थे उन्होंने काफी ज्यादा इसको जस्टिफाई किया था कि ये जो डुअल सिस्टम है ये काफी ज्यादा फेवरेबल है। तो क्लाइव का क्या जस्टिफिकेशन था डुअल सिस्टम को परस्यू करने का या फिर उसको वहां पर इंप्लीमेंट करने का, तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट वो कह रहे थे कि सारी की सारी अगर हम पावर्स को बेसिकली सेंट्रलाइज कर देंगे कंपनी के अंडर में, ठीक है, अगर हम इस ड्यूअल सिस्टम को नहीं फॉलो करेंगे, दैट इज यहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी एंड नवाब, तो अगर उस तरीके से हम सारी की सारी सेंट्रलाइज कर देंगे पावर टू कंपनी, तो क्या होगा, बेसिकली अलार्म्ड हो जाएंगे, यानी ये जो एक्ट है सेंट्रलाइजेशन का, ये अलार्म कर देगा इंडियन प्रिंसेस को, और माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो लोग क्या हो जाएं, यूनाइट हो जाएं और बेसिकली क्या वेज कर दें वॉर अगेंस्ट द कंपनी, ओके। सेकंड पॉइंट ये था कि जो वेरियस अदर यूरोपियन पावर्स थी, सच एज फ्रेंच हो गए, डच हो गए एंड डेन्स हो गए,
तो ये क्या थे बेसिकली, इन्होंने लीज पे ले रखा था काफी ज्यादा और रेंट पे ले रखा था मुगल नवाब से, और ये मुगल नवाब को रेंट पे करते थे जो भी टेरिटरीज उन्होंने काम करने के लिए ले रखी थी। लेकिन अगर बेसिकली जो कंपनी डायरेक्ट कंट्रोल में ले लेगी या सिंपली अगर कंपनी सुपर शिप उसके पास हो जाएगा, तो ये जो है पावर्स ये एक्सेप्ट नहीं करेंगी या नॉट रियली एक्नॉलेज नहीं करेंगी कंपनी की सुपर शिप को, और जो इनका ड्यूज होगा जो पेमेंट होगी ये कंपनी को नहीं देंगे, तो इसलिए भी ये जरूरी था। थर्ड अगर हम देखें तो अगर हम ओपन डिक्लेरेशन कर देते हैं ब्रिटिश पावर की, तो क्या हो जाएगा, एक एंटी ब्रिटिश फ्रंट फॉर्म हो जाएगा, ब्रिटिश फ्रंट फॉर्म हो जाएगा। और बेसिकली क्लाइव ने यह कहा कि पहले भी ऐसा हो चुका है यूरोप के केस में ड्यूरिंग अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये हम नहीं कर पाएंगे अगर ओपन डिक्लेरेशन हम ब्रिटिश पावर को कर देंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें, जो कंपनी है वो कह रहे थे कि उसके पास सफिशियंट ट्रेंड पर्सनल नहीं है, didn't have sufficient trained personnel, यानी मैन पावर जो है वो इतनी नहीं है, ठीक है ना, टू टेक केयर और रन कर सके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली अगर डायरेक्ट पावर को हम अपने हैंड में ले लेते हैं। तो अगर फिर हम देखें तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो क्या कह रहे थे कि वो अपोज कर रहे थे कि आप टेरिटोरियल एक्विजिशन मत करो। अब टेरिटोरियल एक्विजिशन करोगे वो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा ट्रेड एंड प्रॉफिट पे। बेसिकली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे बेसिकली मोर इंटरेस्टेड थे इन कॉमर्स एंड ट्रेड में रेदर देन दी टेरिटोरियल एक्विजिशन, तो इसलिए ड्यूअल जो सिस्टम था इसलिए भी काफी ज्यादा जरूरी थे। और साथ ही साथ लास्ट पॉइंट जो है इसमें देखें, जो क्लाइव को पता था कि अगर हम ओपन डिक्लेरेशन कर देंगे पॉलिटिकल पावर इन बंगाल तो ये अलार्म कर देगा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, और फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है क्या करेगी, वो इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर देगी कंपनी के अफेयर्स में। तो दिस अगर हम डायरेक्ट डिक्लेरेशन कर देंगे तो ये अलार्म कर देगी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और फाइनली जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देगी इन दी कंपनी के अफेयर्स में, जो कि उस टाइम पे जो कंपनी थी वो नहीं चाहती थी कि उनका जो ग्राउंड सिचुएशन चल रही है या फिर जो वर्किंग चल रही है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चले। ओके, नेक्स्ट जो सब टॉपिक है कि ये जो क्लाइव्स ने जस्टिफाई किया कि ड्यूअल सिस्टम, अब इसका फेलियर देख लेते हैं कि ये जो ड्यूअल सिस्टम था ये मिजरेबली फेलियर हुआ था। ओके, तो फेलियर ऑफ ड्यूअल सिस्टम, फर्स्ट पॉइंट इसमें अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन कैसे हुआ था, जैसे हम देखें कि जो निजामत सिस्टम था अंडर जो ड्यूअल गवर्नमेंट था बेसिकली वो काम नहीं कर पा रहा था सही से, और एज ए रिजल्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो जस्टिस थी निजामत फंक्शन डिडंट वर्क, ड्यू टू विच एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस गोज डाउन, वो सही से वर्क नहीं कर पा रहा था, और एज ए रिजल्ट लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी वो क्या हो जा रही थी, ब्रोक डाउन हो जा रही थी, बहुत ही ज्यादा डिटीरियरेट हो जा रही थी। अब जो नवाब थे उनके पास बेसिकली पावर नहीं थी कि वो एनफोर्स कर पाए लॉ एंड प्रोवाइड जस्टिस, साथ ही साथ जो कंपनी भी थी वो भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना नहीं चाह रही थी। ओके, कि सिर्फ और सिर्फ वो क्या चाह रही थी कि हमको सिर्फ प्रॉफिट हो ताकि हम जो रेवेन्यू का जो मैनेजमेंट है वो करें, और ये जो फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके वो हम नहीं लेना चाह रहे, दैट इज कंपनी नहीं लेना चाह रही थी। ओके, तो एज अ रिजल्ट जब इस तरीके की आपका एक दैट इज सम सॉर्ट ऑफ वैक्यूम क्रिएट हो गया था, तो इसने क्या किया, वेरियस डकैटीज और सिंपली डकैट्स जो थे एंड जो रेडर्स थे वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और इवन एक तरीके का ये मॉकरी था टू दी गवर्नमेंट। सो होल एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो उस टाइम पे काफी ज्यादा करप्ट हो गया था अंडर ड्यूअल रूल। इवन अगर हम देखें जो कंपनी का रूल था फ्रॉम 1765 से लेकर 1784 इन द वर्ड्स ऑफ जॉर्ज कॉर्नवेल, ठीक है, जो बेसिकली उन्होंने डिक्लेयर किया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इन द ईयर 1858 में, तो वो कह रहे थे कि नो सिविलाइज्ड गवर्नमेंट, कोई भी ऐसी सिविलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं है जो कभी एग्जिस्ट करी हो अर्थ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा करप्ट हो। तो इतना ज्यादा करप्शन इस टाइम अंडर ड्यूअल गवर्नमेंट देखने को हमको मिलता है, और यही रीजन था कि जो वेरियस डायमेंशंस थे चाहे वो एग्रीकल्चर हो ट्रेड एंड कॉमर्स हो या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, अंडर ड्यूअल रूल हमको और ड्यूअल सिस्टम काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो देख लेते हैं डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर। अब कैसे हुआ, अब ये जो डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था इसका मेन जो रीजन था इट इज बिकॉज ऑफ फॉल्टी रेवेन्यू सेटलमेंट। जो रेवेन्यू सेटलमेंट था काफी ज्यादा फॉल्टी था और जो टैक्स कलेक्टर थे साथ ही साथ जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था बेसिकली वो सिर्फ रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन का काम करते थे, ज्यादा से ज्यादा कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे किसी के थ्रू जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी उसको इंक्रीज किया जाए। तो सिंपली उनका यही ऑब्जेक्टिव रहता था जो टैक्स कलेक्टर थे प्लस जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जो रेवेन्यू है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए। और सिंपली अगर हम कहें तो लैंड का जो था वो ओवर असेसमेंट किया जाता था, मींस अगर वहां से कहीं से एक प्लेस है ये ए जगह है यहां से 100 रुपीज का रेवेन्यू जो है वो एक्चुअल है लेकिन ओवर असेस करके इसको 150 कर दिया जाता था कि कैसे भी इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर इसका जो मुझ को मिल जाए ताकि मैं रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकूं। लेकिन ऐसा होता नहीं था, ओवर असेसमेंट के मारे काफी ज्यादा बेसिकली जो कलेक्शन में था हार्शनेस हमको देखने को मिली है। इवन ये जो बेसिकली जो बर्डन था बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम था। अब ये जो एक्सट्रीम बर्डन जब होगा तो जो कल्टिवेटर्स थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता था, जो कल्टीवेटर्स थे अनेबल टू पे रेंट, वो अपना रेंट नहीं दे पाते थे और सम टाइम जो कल्टीवेटर्स थे इवन भाग जाते थे जंगल में या फिर ज्वाइन कर देते थे रॉबर्स गैंग को बिकॉज वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम जो रेवेन्यू है वो पे नहीं कर पाते थे। और साथ ही साथ एक 1717 में हमको फेमाइन देखने को मिलता है। अब इसने जो कंडीशन थी वो काफी ज्यादा वर्स कर दी थी बिकॉज जो लैंड रेवेन्यू था वो अभी भी कंटिन्यू रहा था और सिर्फ कलेक्टेड विद द सीवियरिटी जो अर्लियर ईयर्स में जहां पे फेमाइन नहीं था तब कलेक्ट किया जाता था। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो फेमाइन था उसमें कंसेशन देना चाहिए था, सम सॉर्ट ऑफ रिस्पाइट प्रोवाइड करवानी चाहिए थी लेकिन कोई भी कंसेशन प्रोवाइड नहीं करवाया गया था और जो कंपनी के जो सर्वेंट थे एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ करप्शन कर रहे थे। इस तरीके से एग्रीकल्चर का डिक्लाइन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अनसर्टेनिटी इन ट्रेड एंड कॉमर्स में भी देखने को मिलती है, अनसर्टेनिटी इन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर जो था उसने बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स को भी आपका अफेक्ट किया या फिर इंपैक्ट किया बिकॉज एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है और ट्रेड एंड कॉमर्स जो है सेकेंडरी और टर्शरी में आएंगे, लेकिन वो होगा तभी जब प्राइमरी सेक्टर स्ट्रांग होगा। ओके, उसके बाद जो 1717 का जो फरमान था जिसमें जो फर्रुख शेर थे उन्होंने ग्रांट किया था कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल, ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल कि आपको कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी है जो आप बंगाल में ट्रेड कर रहे हैं, या सिंपली अगर हम कहें कंसेशन दे रखा था कंपनी को। ओके, और सिंपली एक तरीके का कंसेशन था थ्रू दी कंपनी के प्रेसिडेंट को। ओके, कि बेसिकली वो इशू कर सकता है या फिर एक पासिंग चिट्स या फिर अगर हम उसको कहें लोकल लैंग्वेज में तो दस्तख्त। ठीक है, अब दस्तक जो होगा इसमें जो भी गुड्स मेंशन होंगे वो एग्जेम्प्ट होंगे फ्रॉम ड्यूटी से, उसको कोई रोक नहीं सकता या फिर उसको कोई इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकता। अब ये तो ठीक है सर, ये जो दस्तक है ठीक है, ये जो फरमान इशू किया कुछ सोच के क्या हो गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी? तो प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन जब ये जो दस्तक थी या फिर जो पास चिट्स थी इसका मिसयूज होना स्टार्ट हो गया था, मिसयूज ऑफ दस्तक। बेसिकली अगर हम देखें इसका लीगल यूज भी जब हो रहा था तो ये भी नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही थी बिकॉज ये क्या था, अगेन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री ट्रेड। ओके, सो अगेंस्ट कंट्री ट्रेड बिकॉज उनको क्या था, कोई भी ट्रेड ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ रही थी और जो लोकल जो ट्रेडर्स थे उनको करनी पड़ रही थी, तो ऑब्वियसली ये अगेंस्ट द कंट्री ट्रेड, बट ये सीवियरिटी इसकी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई जब इसका और मिसयूज करने लगे। ओके, तो ये जो मिसयूज ऑफ दस्तक इसको इक्वेट किया जाता है कि इसने र्यून कर दिया था कंट्री के मर्चेंट्स को, तो इट र्यून कंट्री मर्चेंट्स एंड जो ट्रेडर्स थे। ओके, सो जो कंपनी के जो अगर हम देखें जो मर्चेंट्स है वो वर्चुअली उन्होंने मोनोपलाइज कर लिया था जो बंगाल का इंटरनल ट्रेड है विद दिस दैट इज दस्तक से। तो कंपनी के जो मर्चेंट्स वर्चुअली मोनोपलाइज बंगाल इंटरनल ट्रेड,
बिकॉज उन्हीं का ट्रेड कॉम्पिटेटिव था और कोई ट्रेड कॉम्पिटेटिव हो ही नहीं पा रहा था, इट इज बिकॉज ऑफ ड्यूटी फ्री। ओके, अब जो इंडियन मर्चेंट थे उनको काफी ज्यादा लॉस हो रहा था बेसिकली। ओके, और बेसिकली ड्यू टू विच उनको जो अपने प्रोडक्ट्स थे वो कम दामों में बेचना पड़ रहे थे, लोअर देन एक्चुअल जो प्राइस था उनको बेचना पड़ रहा था लोकल मार्केट्स में, तो काफी ज्यादा उनको लॉस देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डी स्किल। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डी स्किल। ओके, तो जो वीविंग इंडस्ट्री थी, दैट इज जो बुनने वाली इंडस्ट्री होती है, उसको काफी ज्यादा सेटबैक मिला था। वीविंग इंडस्ट्री अब वो काफी ज्यादा सेटबैक मिला था बिकॉज जो कंपनी था वो अपनी पॉलिटिकल पावर को यूज करके डिस्करेज कर रही थी सिल्क इंडस्ट्री को इन बंगाल में, यानी उसका जो बेस बना हुआ था सिल्क इंडस्ट्री का, जो ट्रेडिशनल वीविंग इंडस्ट्री जो बनी हुई थी, उसको क्या कर रही थी, अपनी पॉलिटिकल पावर का मिस यूज करके डिस्करेज कर रही थी। बिकॉज जो बंगाल था ना वो कंपीट कर रहा था, जो सिल्क फैब्रिक्स आ रहे थे कहां से मैन्युफैक्चर होके, इंग्लैंड से या फिर इंग्लिश मार्केट से। ओके, तो वीविंग इंडस्ट्री और जो सिल्क इंडस्ट्री थी उसको कंपनी काफी ज्यादा डिस्करेज कर रही थी सिंपली। और सिंपली जो कंपनी थी बेसिकली वो क्या चाह रही थी कि वो सारा जो रॉ मटेरियल जो सिल्क था वो चाह रही थी, और इसी तरीके से वो डिस्करेज कर रही थी सिल्क वीविंग को कि जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनको डिस्करेज करके जो भी रॉ मटेरियल है वो खुद इक्विप कर लिया जाए। और जो वर्कर्स थे जो इस सिल्क वीविंग इंडस्ट्री में जो काम कर रहे थे वो एक्सट्रीम ऑपरेशन फेस कर रहे थे, और बेसिकली इतना एक्सट्रीम ऑपरेशन कि सम लोगों ने तो अपने थंब को ही काट लिया ताकि वो काम ना कर पाए। ओके, सो दैट कि वो एक्सट्रीम ऑपरेशन से बच सके। अब ये जो ऑपरेशन हो रहा था ये जो कंपनी थी ये थ्रू कर रही थी गौमस्तक से। अब ये जो गौमस्तक है इनके बारे में कहा जाता है कि ये एजेंट्स थे कंपनी के। ओके, अब ये जो एजेंट्स थे ये डराते थे ये जो वर्कर्स थे कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, इंप्रिजनमेंट लगाया जाएगा, ठीक है, और बेसिकली फोर्सफुली बॉन्ड को साइन करवा लेते थे जिसके थ्रू जो वर्कर्स थे जिनके वो पढ़े लिखे नहीं थे वो फंस जाते थे और कभी भी उसको छोड़ नहीं पाते थे। तो जो गौमस्तक थे वो वीवर्स से बॉन्ड साइन करवाते थे लेकिन कभी भी उनसे कोई कंसेंट नहीं लेते थे कि क्या क्या उसमें लिखा है, क्या क्या आपको करना है, और फोर्स करवाते थे कि आपको साइन करना ही है इस कॉन्ट्रैक्ट को, बिकॉज उनको एडवांस मनी दे देते थे और बदले में कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा देते थे। और साथ ही साथ ये जो गौमस्तक थे ये जो वीवर्स थे इनको रजिस्टर भी कर लेते थे। अब रीजन क्या है इसको वीवर्स को रजिस्टर करने का, अब ये जो जो रीजन है दैट इज जो रजिस्टर करने का कि सम टाइम्स ये ट्रांसफर किए जाते थे ये जो वीवर्स थे कि एक मर्चेंट से दूसरे मर्चेंट को, लेकिन साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन ये अलाउ करता था कि ये जो वीवर्स हैं ये किसी और के लिए वर्क ना कर पाए। ओके, तो इस तरीके से इनको रजिस्टर भी किया जाता था। साथ ही साथ जो गौमस्तक हैं इनको एक अलग नाम से भी जानते हैं, दैट इज द जचेंदार्स, या फिर जांचने वाले, या फिर सिंपली अगर हम कहें एग्जामिनर्स ऑफ फैब्रिक्स, एग्जामिनर्स ऑफ फैब्रिक से। ओके, अगर समराइज करें हम कि कैसे इट लीड्स टू द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डी स्किल, तो सिंपली हमको देखने को मिलता है कि कंपनी ने मोनोपोलाइज कर लिया था ट्रेड को, मोनोपोलाइज ट्रेड। अब इस मोनोपोलाइज ट्रेड से क्या हुआ कि जो रॉ मटेरियल जो था, रॉ मटेरियल बेसिकली लोकल्स के लिए अवेलेबल इजिली नहीं था, ठीक है, तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए फॉर लोकल्स के लिए। अब जब ये हो गया तो ये क्या करेगा, डिस्करेज लोकल इंडस्ट्री, बिकॉज लोकल इंडस्ट्री अगर जो रॉ मटेरियल्स है वो ज्यादा पैसों में खरीदेगी तो ऑब्वियसली जो उसका आउटपुट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसकी भी प्राइस ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसको कम पैसों में बेचना पड़ेगा, ठीक है, तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो जो ट्रेड कर रहे हैं जिसमें जितने भी वर्कर्स हैं जो लगे हुए हैं उनको काम नहीं मिल रहा है और अपने अपने पैसे नहीं मिल रहे हैं जितना उनका इन्वेस्टमेंट है तो वो छोड़ देंगे, एंड फाइनली इट लीड्स टू दी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमको देखने को मिलता है। ओके, तो ये एक डायमेंशन था। नेक्स्ट डायमेंशन अगर हम देखें तो ये जो डुअल रूल था इसने मॉरल डिग्रेडेशन भी काफी किया था। अब ये मॉरल डिग्रेडेशन क्या होगा, एज अ नेम सजेस्ट मॉरल की बात कर रहे हैं हम, जो जो फार्मर्स थे बेसिकली उनको क्या करना पड़ रहा था, देखो लैंड रेवेन्यू फॉल्टी था, काफी ज्यादा उनको रेवेन्यू देना पड़ रहा था, ठीक है, उनके पास कुछ बच नहीं पड़ रहा था, तो जो फार्मर्स को ये रियलाइज हुआ कि जितना ज्यादा वो काम कर रहे हैं उतना ज्यादा वो रेंट पे करेंगे, तो जो वीवर्स थे बेसिकली उन्होंने अपने थंब काटना भी स्टार्ट कर दिए थे, तो सिंपली वो डिस्करेज हो रहे हैं कि ज्यादा हम काम ही नहीं करेंगे जो हमको इस तरीके से ज्यादा हैरेसमेंट को फेस करना पड़ेगा। तो जो सोसाइटी थी वो प्रोग्रेसिव से थ्रो क्या हो गई, वो बेसिकली
एक स्टैटिक हो गई जिस तरीके से थी और डिके होने लगी उसका क्लियरली विजिबल है बिकॉज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हम देखें तो इंडस्ट्री का छोड़ के वो लोग विलेजेस में भाग गए थे काम करने के लिए. तो एक सोसाइटी में स्टैटिक यानी ठहर गई थी और डिके देखने को हमको मिलता है. सो ये फेलियर्स थे ड्यूअल रूल के या डायरकी के. अब देखते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं. अब रीजन क्या था इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने का, इट इज बिकॉज इस टाइम पे जो कंपनी थी उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था एक ट्रेडिंग बॉडी से एक पॉलिटिकल बॉडी में. तो इसलिए वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लिए गए थे. सो इससे पहले भी अगर हम देखें तो थ्री रेजोल्यूशन ऑफ बंगाल अगर हम देखें 1757 हो गया 1760 या 1764 का, तो इसके थ्रू गवर्नर्स की पावर्स को एनरिच किया गया और जो काउंसलर्स थे उनको भी एनरिच किया गया. साथ ही साथ जो कंपनी के ऑफिसर्स थे जिनमें काफी ज्यादा करप्शन था उनको भी कर्व करने की कोशिश करी गई थी. बिकॉज इस टाइम पे ये देखने को हमें मिलता है कि जो ब्राइबरी थी एंड जो करप्शन का जो स्केल था अमंग द कंपनी ऑफिसर्स वो काफी ज्यादा था. ओके और जो कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो इंडल्ज करते थे अपने आप को प्राइवेट ट्रेड में या सिंपली वो प्राइवेट ट्रेड करते थे और इवन एक्सट्रैक्ट करते थे प्रेजेंट्स फ्रॉम द प्रिंसिपल पीपल्स. और ये सारी की सारी चीजें कंपनी को जो ट्रेड था उसमें नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही थी बिकॉज कंपनी को फायदा ना होकर जो इंडिविजुअल सर्वेंट्स थे उनको ज्यादा फायदा हो रहा था थ्रू करप्शन और मिसयूज ऑफ दस्तक, वो भी हमने लास्ट सब टॉपिक में देख लिया था. नाउ जो क्लाइव थे उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि बेसिकली कैसे ये कर्व किया जाए जो कंपनी का ऑफिशियल्स जो है बेसिकली उसमें जो करप्शन है. तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स प्राइवेट ट्रेड में हैं उनको क्या किया जाए, उनको बंद कर दिया जाए और साथ ही साथ बेसिकली जो इंटरनल ड्यूटीज का था दैट इज द मिसयूज ऑफ दस्तक जो था अब क्या कर दिया उन्होंने, मेड पेमेंट ऑफ इंटरनल ड्यूटीज ऑब्लिगेटरी कर दिया उन्होंने. ठीक है ना. अब क्लाइव को पता था कि जो प्राइवेट ट्रेड है बेसिकली वो कंपनी के ऑफिशियल्स को काफी ज्यादा एक तरीके का लास्ट सम ऑफ मनी प्रोवाइड करवाता है. तो कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं उनकी लो सैलरीज भी थी और लॉस ऑफ इनकम जो थी बेसिकली जो इंटरनल ट्रेड से अब नहीं आ रही थी उनको कंपनसेट करने के लिए क्लाइव ने क्या किया कि क्लाइव ने सोचा कि हम रेगुलराइज करेंगे कंट्रोल ऑफ इंटरनल ट्रेड. ओके सो टू कंपनसेट, अब कंपनसेट किसे कर रहे हैं, कंपनसेट हम कर रहे हैं जो क्लाइव है वो कर रहे हैं कंपनी के सर्वेंट्स को. क्यों कर रहे हैं, एक तो बेसिकली उनकी लो सैलरी थी, लो सैलरी के मारे ही उनको अलाउ किया गया था कि आप प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज हो लेकिन ये काफी ज्यादा नेगेटिव हो रहा था बिकॉज करप्शन हो रहा था काफी ज्यादा. और लॉस ऑफ इनकम, लॉस ऑफ इनकम क्यों हो रही है, उनको अब मना कर दिया गया कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे सिंपली इंटरनल ट्रेड नहीं करेंगे. तो क्लाइव ने क्या सोचा कि इसको कंपनसेट करने के लिए हम रेगुलराइज क्या करेंगे, कंट्रोल ऑफ इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड को कंट्रोल करेंगे लेकिन किसी और वे में इंटरनल. ओके तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सोसाइटी ऑफ ट्रेड बनाई, सोसाइटी ऑफ ट्रेड उनको फॉर्म्ड हुई, इसको फॉर्म किया और ये किया 1765 अगस्त में. अब इसकी मोनोपोली होगी दैट इज सोसाइटी ऑफ ट्रेड की ये मोनोपोली होगी कि ये ट्रेड करे इन सॉल्ट में दैट इज सॉल्ट बीटल नट एंड टोबैको में. कंप्लीट मोनोपोली होगी कि सिर्फ सोसाइटी ऑफ ट्रेड ही कर सकती है. तो जितना भी प्रोडक्शन और इंपोर्ट होगा गुड्स इन बंगाल में वो परचेस करेगी सोसाइटी और फिर सोसाइटी क्या करेगी, सोल्ड करेगी रिटेलर्स को. तो इस तरीके से कंप्लीट प्रॉफिट की मोनोपोली हो जाएगी या कंप्लीट ट्रेड की मोनोपोली हो जाएगी. ओके अब इससे जो प्रॉफिट आएगा दैनिक सोसाइटी ऑफ ट्रेड को जो प्रॉफिट होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो जो सुपीरियर जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं उनको कंपनसेट किया जाएगा. कैसे, बेसिकली जो सुपीरियर कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं उनको ग्रेजुएटेड स्केल पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. ओके तो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी सर्वेंट्स ऑन ए ग्रेजुएटेड, जिस तरीके से उनकी जो पोजीशन है उस तरीके से दिया जाएगा. सच एज जो गवर्नर है उनको अगर मैं कहूं तो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज दिया जाएगा, उसके बाद जो उनकी काउंसिल है उसको 70 और नीचे इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. ओके ओके अच्छा अगर हम देखें तो बेसिकली प्राइवेट ट्रेड का जो एक तरीके का
जो इवेल था वो बहुत ज्यादा था, उससे क्या हो जा रहा था, प्राइवेट ट्रेड जो इंडल्ज कर रहे थे कंपनी के सर्वेंट्स, उससे कमोडिटी के प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते थे और जो अल्टीमेटली जो बंगाल के जो पीपल है काफी ज्यादा सफर होते थे। अब क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था रिफॉर्म्स की, बेसिकली हम कब कर पाए जो कंपनी का जो प्राइवेट ट्रेड है जो सर्वेंट्स उसको करते हैं उससे कंपनी को भी नेगेटिवली हार्म हो रहा है और साथ ही साथ जो वहां के लोकल पीपल्स हैं उनको भी नेगेटिवली हार्म हो रहा है। इसलिए उन्होंने एक सोसाइटी ऑफ ट्रेड बनाई थी, लेकिन इस सोसाइटी ऑफ ट्रेड ने बेसिकली जो मैटर था और बेकार कर दिया। अब क्या होने लगा, इस सोसाइटी ऑफ ट्रेड से बनने से पहले अगर हम देखें तो इस सोसाइटी ऑफ बनने से पहले भी प्लंडर हो रहा था, लेकिन ये जो प्लंडर हो रहा था ये इंडिविजुअल स्केल पे हो रहा था। अब ये कैसे इंडिविजुअल स्केल पे हो रहा था, इंडिविजुअल स्केल इन द सेंस जो कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उनको अलाउ था प्राइवेट ट्रेड करना, तो वो आपके करप्शन के थ्रू इन कंपनी को प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे और बेसिकली अपने लिए प्रॉफिट कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जब सोसाइटी ऑफ ट्रेड आ गया तो ये जो इंडिविजुअल जो सर्वेंट्स थे या फिर जो प्लंडर था इंडिविजुअल सर्वेंट्स कर रहे थे, अब कंपनी के सर्वेंट्स करने लगे ऑन अ कलेक्टिव बेसिस थ्रू द सोसाइटी ऑफ ट्रेड। तो इस तरीके से जो नेचर था वो ट्रांसफॉर्म हो गया, पहले इंडिविजुअल स्केल पे हो रहा था, ओके, अब कंपनी के सर्वेंट्स जो थे वो ऑन अ कलेक्टिव बेसिस पे एक तरीके का प्लंडर हो रहा है। यानी ये जो सोसाइटी बनाई गई थी फॉर द लार्जर गुड के लिए, ये क्या हुआ, ये एक डिफंक्ट बॉडी हो गई और ये फेल्ड हो गई। ओके, और लेटर हमको ये देखने को मिलता है जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने इस बॉडी को डिसअलाउ कर दिया। ठीक है, ये जो स्कीम थी इसको डिसअलाउ कर दिया 1766 में, पर समहाउ ये कंटिन्यू रही 1768 तक, बट ये एक फेलियर की तरह एक्ट हुआ। इसने सिंपल ट्रांसफॉर्म कर दिया कि जो पहले इंडिविजुअल कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो प्लंडर करते थे, उसको कलेक्टिव बेसिस पे अब प्लंडर होने लगा और सिचुएशन को और काफी ज्यादा वर्सन कर दिया। नेक्स्ट आता है मिलिट्री रिफॉर्म्स, इनके अंडर में मिलिट्री रिफॉर्म्स भी लिए गए थे। अभी मिलिट्री रिफॉर्म्स क्यों लिख किए गए थे, कि सबसे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का 1763 में बेसिकली ऑर्डर आता है कि आप रिड्यूस करो डबल भत्ता जो इनको भत्ता दिया जाता है, यानी फील्ड अलाउंसेस। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ डबल भत्ता, दैट इज फील्ड अलाउंसेस, जो कि उस टाइम पे पेड किया जाता था मिलिट्री ऑफिसर्स को जो कि बंगाल में पोस्टेड होते थे। ओके, तो डबल भत्ता, ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा था 1763 में कि आप रिड्यूस करो इस डबल भत्ता को, फील्ड अलाउंसेस को, जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स को दिया जाता था बंगाल में। अब ये डबल भत्ता जो अगर हम देखें इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं, तो ये जो डबल भत्ता था इवन मीर जाफर ने इसको कंटिन्यू रखा और ना कि सिर्फ जरूरत के टाइम पे, इस पीस टाइम पे भी इसको कंटिन्यू रखा, तो ये क्या बन गया, एक तरीके का पार्ट बन गया बेसिकली इनकी जो सैलरी था, तो ये सिस्टम कंटिन्यू रहा और जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे इसको कंसिडर करने लगे कि ये उनकी सैलरी का ही पार्ट है, मीन सैलरी और इस तरीके का ये जो भत्ता है, तो ये दोनों को मिला के ही एक परमानेंट स्ट्रक्चर बन गया कि सैलरी भी मिलेगी आपको, भट्टा भी मिलेगा, तो ये परमानेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या होने लगा, ड्यू टू विच अगर हम देखें जो बंगाल के जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनकी जो सैलरी थी वो बेसिकली डबल हो गई इन कंपैरिजन टू द मद्रास आर्मी। ओके, तो मद्रास आर्मी अगर हम देखें तो मद्रास आर्मी की अगर सैलरी 100 रुपीज है तो बंगाल आर्मी की जो सैलरी है इट इज बिकॉज ऑफ जो उनका भत्ता जो था डबल हो गया, इस तरीके से डबल उनकी सैलरी हो गई। तो इस तरीके से क्या हो गया था, ये आपका काफी ज्यादा मिसमैच हो गया था। तो डायरेक्टर्स ने ऑर्डर किया कि बेसिकली आप क्या करो, जो बंगाल का जो भत्ता है उसको लेके आओ और पार विद द भत्ता ऑफ मद्रास, यानी जितना मद्रास वालों को भत्ता मिलता है उतना ही बंगाल वालों को भी मिलना चाहिए। ओके, तो इसलिए क्लाइव ने ऑर्डर किया, देन क्लाइव ऑर्डर्ड, और ये जो क्लाइव ने ऑर्डर किया था ये किया था 1766 टू बी वेरी स्पेसिफिक जनवरी में। उसके बाद से उन्होंने कहा कि अब जो भट्टा है बेसिकली वो उन ऑफिसर्स को मिलेगा जो सर्व कर रहे हैं आउटसाइड में, तो भट्टा या फिर भत्ता सिर्फ उनको मिलेगा ऑफिसर्स को जो कि सर्व कर रहे हैं आउटसाइड। अभी आउटसाइड का क्या मतलब हुआ, सिंपली अगर हम देखें फ्रंटियर्स ऑफ बंगाल एंड बिहार के बाद, ठीक है, तो वहां पे हैं उनको सिर्फ ये भत्ता मिलेगा। अब जो व्हाइट ब्रिगेड्स थी, व्हाइट ब्रिगेड्स जो थी वो जो लोकेटेड थी मुंगेर में एंड अलाहाबाद, उसने बेसिकली इस ऑर्डर को एज ए रेसिस्टेंस के तौर पे किया, ठीक है, उसको रेसिस्ट किया, ठीक है, अगेंस्ट क्लाइव ऑर्डर्स, और बेसिकली
उनको थ्रेटन किया कि हम रिजाइन कर देंगे अपनी पोस्ट से, अपने कमीशन से, ओके? अब ये जो उनका जो रिजाइन की जो धमकी थी वो इसलिए थी, उस टाइम पे जो मराठा थे वो एडवांस कर रहे थे, उनको लगा ये जो एक्ट है ये क्लाइव को क्या करेगा, प्रेशराइज करेगा, कोर्स करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ओके? सम ऑफ देम, अगर हम ये जो रेसिस्टेंस था इसमें जो व्हाइट ब्रिगेड्स थी उन्होंने बेसिकली प्लान भी कर लिया था क्लाइव का असैसिनेशन, बट जो क्लाइव थे वो इन थ्रेट से डरे नहीं, और जो क्लाइव थे उन्होंने होल हार्टेडली सिंपली एक्सेप्ट कर लिया सारे रेजिग्नेशन और बेसिकली ऑर्डर कर दिया अरेस्ट एंड ट्रायल का दोज ऑफिशियल्स जो कि प्रमोट कर रहे थे, ओके? इस तरीके का जो रेसिस्टेंस था उसको प्रमोट कर रहे थे, और साथ ही साथ उन्होंने काउंटर करने के लिए इस रेसिस्टेंट को क्या किया, क्या प्रमोट किया नॉन कमीशन ऑफिसर्स को, इवन जो मर्केंटाइल एजेंट्स थे उनको भी प्रमोट किया, ठीक है? और साथ ही साथ जितने भी अवेलेबल मद्रास ट्रूप्स थे उसको भी कॉल कर लिया। तो ये जो क्लाइव का जो रेजोल्यूशन था बेसिकली काफी ज्यादा इफेक्टिव रहा था इन ऑर्डर टू कर व्हाइट म्यूटिनी, और इस तरीके से जो व्हाइट म्यूटिनी थी वो सप्रेस्ड हुई, और ये हम पढ़ते हैं मिलिट्री रिफॉर्म्स में। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब क्लाइव का एस्टिमेट, तो देख लेते हैं इन्होंने जो भी चीजें करी उसका हम पूरा एक एस्टिमेट देख लेते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव्स थे या फिर क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, एस्टिमेट्स में हम उनके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो क्लाइव को ये कंसिडर किया जाता है कि ये ट्रू फाउंडर ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनियन इन इंडिया। अब ये कैसे ट्रू फाउंडर है, इट इज बिकॉज इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेडिंग जो बॉडी थी बेसिकली उसको टेरिटोरियल पावर में, और उसका रोल क्या बना दिया था इन्होंने कि रोल ऑफ किंग मेकर्स इन बंगाल में, ओके? सेकेंड, इन्होंने एनालाइज किया पॉलिटिकल सिचुएशन को, जो भी उस टाइम की जो ग्राउंड रियलिटी थी या जो ग्राउंड पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसको काफी ज्यादा वहां पे उन्होंने एनालाइज किया और अप्रोप्रिएट डिसीजंस लिए जिसके थ्रू कंपनी को जो काफी ज्यादा प्रॉफिट मिला, ओके? और अगर हम देखें तो ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हुए थे जो पॉलिटिकल सिचुएशन और अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने में। कुछ एग्जांपल अगर हम देख लें तो इन्होंने आरकॉट को सीज किया था, सीज ऑफ आरकॉट वो हमको देखने को मिलता है 1751 में, ओके? अगेंस्ट जो फ्रेंच था इन कार्नेटिक में, और जो बैटल ऑफ प्लेसी है 1757 में, इस तरीके से देखने को मिलता है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, जो बंगाल के जो बेसिकली अब इनके रिसोर्सेज जो डिस्पोजल में थे उसका बहुत ही ज्यादा इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली यूज किया, और इसके थ्रू जो इंग्लिश थे वो इतने कैपेबल हो पाए कि उन्होंने कॉन्कर्ड किया साउथ इंडिया को, और साथ ही साथ जो फ्रेंच की जो प्रॉब्लम्स थी यानी जो फ्रेंच जो कंपनी थी उसको भी डिफीट किया था, यानी फ्रेंच को भी डिफीट किया था, ओके? और इस तरीके से काफी ज्यादा इन्होंने एक अपने आप को सिक्योर बना लिया था, एक सोल पावर बना लिया था। उसके बाद 1765 में अगर हम देखें तो 1765 को हमको ये देखने को मिलता है कि बंगाल में क्या किया था क्लाइव ने, कि क्लाइव ने कंसोलिडेट किया था। अब ये जो कंसोलिडेशन जो होता है या फिर जो कंसोलिडेट है ये किसका है, ये कंपनी का गेंस के, कंपनी के गेंस के लिए कंसोलिडेट किया था, और साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि इन्होंने इस टाइम पे रेगुलेट किया था फॉरेन रिलेशंस, सो दैट जो फॉरेन रिलेशंस है उसको भी इस तरीके से यूटिलाइज किया जाए कि वो जो कंपनी है सिर्फ उसको ही प्रॉफिट मिले उसका, ओके? तो अल्टीमेटली इस तरीके से इनको ट्रू फाउंडर माना जाता है ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनियन इन इंडिया का। तो सब एस्टिमेट्स में तो सब चीजें पॉजिटिव में लग रही है कि क्या कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, ऑफ कोर्स इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, इन्होंने जो कुछ स्टेप्स लिए थे वो नेगेटिवली इंपैक्ट किया था उन्होंने इंडिया को। अब कैसा था, अगर सिंपली अगर हम क्लाइव के पर्सनल की बात करें तो वो उनकी जो मनी था वो काफी ज्यादा वीकनेस थी, तो उनका जो ग्रीड था मनी के लिए इट इज बिकॉज वो इलीगल प्रेजेंट्स लेते थे, दूसरों से तो मना करते थे, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उसे मना करते थे, लेकिन खुद ये इलीगल प्रेजेंट्स लेते थे, किससे लेते थे, प्रिंसले स्टेट्स से, ओके? अब ये जो था बेसिकली कहीं ना कहीं ये एक बैड प्रेसिडेंट सेट करता है इनके सक्सेसर के लिए, बिकॉज जो इनके सक्सेसर थे उन्होंने भी इस सिस्टम को कंटिन्यू रखा, तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। दूसरा, क्लाइव ने जो सोसाइटी ऑफ ट्रेड बनाई थी, तो सोसाइटी ऑफ ट्रेड इसलिए बनाई थी कि जो कंपनी के जो प्राइवेट ऑफिशियल्स हैं, सॉरी कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो प्राइवेट ट्रेड करते हैं, उससे काफी ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट होता है कंपनी को भी और साथ ही साथ वहां के जो लोकल्स हैं, तो इन्होंने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की तरह उसको रेगुलराइज करना चाहा, लेकिन ये ग्रेट टूल बन गया बंगाल का प्लंडर के लिए। कैसे, बिकॉज इंडिविजुअल प्लंडर से अब ऑन अ कलेक्टिव बेसिस पे कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो अब प्लंडर कर रहे थे इस सोसाइटी ऑफ ट्रेड के थ्रू, इसीलिए इस स्कीम को बंद करवा दिया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की ऑर्डर से। अब ये जो डुअल गवर्नमेंट था ऑलरेडी हम लोग
डिस्कस कर चुके हैं इसका। तो डुअल गवर्नमेंट का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो ये नहीं था कि जो लोगों का वेलफेयर हो सके, ओके, सो इट्स नॉट फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, बट अल्टीमेट इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो सिंपली अगर हम कहें तो वो क्या करना चाहते थे, बेसिकली वो एस्टैब्लिश करना चाहते थे इंग्लिश पावर को, एस्टैब्लिश करना चाहते थे इंग्लिश पावर को इस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के थ्रू। और इन द वर्ड्स ऑफ, अगर हम के एम पानिकर कहें, इन द वर्ड्स ऑफ के एम पानिकर, तो जो कंपनी का जो रूल था फ्रॉम द ईयर 1765 से लेकर 1772, तो कंपनी अपने आप को एक एस्टैब्लिश ऐसे उसने किया कि एक तरीके का ये रॉबर स्टेट कंसिडर किया जाता है, रॉबर स्टेट इन बंगाल में इन ईयर्स में, ओके। और बेसिकली जहां पे खूब ज्यादा प्लंडर देखने को मिलता है, हमें जो लूट देखने को मिलती है, और ये बंगाल में इनडिस्क्रिमिनेटली होती है। और यही टाइम था जो इंपीरियलिज्म था वो अपनी पीक पे था इन्हीं ईयर्स में, ओके। अब कंक्लूड करते हैं, जो क्लाइव है, देयर इज नो डाउट दैट उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था काफी ज्यादा। अभी इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था कि वो सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट, बट एट द सेम टाइम उनको स्टेट्समैन नहीं कह सकते, ठीक है ना। ही वॉज नॉट कंसिडर्ड एज एन स्टेट्समैन, बिकॉज जो क्लाइव थे उनको कंसिडर किया जाता है कि ही वॉज अ मैन ऑफ इनसाइट एंड नॉट फोरसाइट, इसलिए उनको हम स्टेट्समैन नहीं कंसिडर कर सकते। इनसाइट सिंपली मीन्स जो उस टाइम की जो सिचुएशन थी उसको टैकल करने के लिए तो वो सक्सेसफुल हो गए थे, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज थी लॉन्ग टर्म में वो फोरसाइटेड नहीं थी, ओके, जो आने वाले टाइम में कंपनी को हेल्प कर पाती। और इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स लिए थे, ठीक है, सो वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टेकन बाय द क्लाइव, तो इसने क्या किया, इसने कंपनी को बेसिकली उनका काम इजी करने के बजाय काफी ज्यादा डिफिकल्टीज को क्रिएट कर दिया जो भी इनके सक्सेसर्स आए उनके लिए, ओके। तो इसलिए इनको हम स्टेट्समैन नहीं कर सकते हैं, बट नो डाउट क्लाइव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू सर्व ब्रिटिश इंपीरियल इंटरेस्ट, ओके। सो विद दिस वी कंप्लीटेड अवर दिस टॉपिक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।